नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती के अवसर पर सीएम कॉलेज दरभंगा में पेंटिंग, मेहंदी, रंगोली तथा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन सेमिनार हॉल में किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल, संयोजक प्रोफेसर मंजू राय, बर्सर डॉक्टर आर एन चौरसिया सहित 80 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने कहा कि आज का युग गलाकार प्रतिस्पर्धा का है, परंतु सही समय, प्रबंधन, कठिनाई, परिश्रम तथा उचित मार्गदर्शन से लक्ष्य प्राप्ति संभव है। उन्होंने पक्ष एवं विपक्ष दोनों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे छात्रों को सोचने का दायरा बढ़ता है। उन्होंने कहा कि कोशिश करते रहने से ही सफलता मिलती है। छात्र वर्तमान समय का पूर्ण उपयोग कर अपने जीवन में आगे बढ़ें। महाविद्यालय के बर्सर डॉक्टर आर एन चौरसिया ने कहा कि प्रतियोगिता सहभागिता से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है तथा उनके व्यक्तित्व का स्वर्गीय विकास भी होता है। उन्होंने छोटे बच्चे का चलना सीखने का उदाहरण देते हुए बताया कि असफलता ही सफलता की जननी है। संकट काल में ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, परंतु कुछ लोग विरले ऐसे भी होते हैं जो रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रतियोगिता से छात्रों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ लोग जीतते हैं तो अधिकांश लोग सीखते हैं। सिखाया कि परिवार की महत्ता सर्वोपरि होती है। संकट आता है, कोई दूसरा काम आवे ना आवे, लेकिन परिवार यह बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी की सेवा की क्या अहमियत होती है, वो भी कोविड ने हमें सिखाया। हम सामान्य रूप से जाते हैं, पुलिस की बात काटते हैं, सफाई कर्मी को डांटे फटकारते हैं, लेकिन वही हमारा कोविड में असली साथी सिद्ध हुआ। उसके बाद कोविड में एक शिक्षा में नया प्रयोग जो हुआ वो बहुत सफल हुआ, ऑनलाइन माध्यम। ऑनलाइन माध्यम से अभी सारी बीएड की परीक्षाएं हो रही, ऑनलाइन माध्यम से नामांकन से लेकर के कॉलेज चयन तक ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं। हम कई सेमिनार, वेबिनार अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय यहां हम लोग कराए हैं, जिसमें अमेरिका, जापान, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, थाईलैंड, सब जगह के विद्वानों को सुनने का अवसर मिला है। तो इसमें हम पॉजिटिव रूप से भी देख करके बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। बहुत सारी जो भारत जिस चीज को बनाता नहीं था, कभी जो कीट पहनते हैं कोविड में, उसका निर्यात आज कर रहा है, बना नहीं पाता, सारे विदेश से आते थे, तो बहुत सारे अवसर इसमें आए। तो यह देखने का दृष्टिकोण है, अपने आप को सृजनशीलता है, मेहनत है, श्रम है, तो हम बहुत लाभ उठा सकते हैं। अगर हम नीको बात के हम खराब ढंग से प्रस्तुत करबे तखन वो रास्ता जे छै से भटकाव के होय छै। तऽ सब गोटे सह बात कहलन है, हमहू एकरे सहयोग ल के अहाँ सबक संग छी। पूर्णतः विपक्ष नहीं होय, निगेटिवो में निगेटिव होय छै से नहीं हेबाक चाही। सत्य के लेल, नीक के लेल यदि विपक्ष छै तो वो बेसी बढ़िया छै। तऽ पूर्णतः विपक्षी भाव नहीं रखबाक चाही, नीक के लेल की करबाक छै, की करबाक छै, ओहि पर अहाँ सबक ध्यान हेबाक छै। अखन सीखै के आवश्यकता छै, हमहू सब सीखिए रहल छी, अहूँ सब से बहुत एहन बात छै जे हम सब सीखै छी, तैं ई ध्यान राखब के छै। दोसर बात, एहिठाम जे हमरा सब ठाढ़ छलहुँ हैं, तऽ समय के बहुत बेसी महत्व छै। अहाँ सबके 3 से 5 मिनट के समय देल गेल छल, तऽ ओकरा अहाँ सब ध्यान रखियौ, आओर जै विषय पर हमरा सबके बजबाक अछि ओकर चिंतन मनन कने पहिने भ जेबाक चाही। और पॉइंट अहाँ हाथ पर लिख लिय, चाहे पुर्जी पर लिख लिय, पूरा प्रस्तुतिकरण जे छै ओ पेपर पर नहीं हेबाक चाही। और पहिने जखन ओकर अहाँ प्रैक्टिस कर लेने रहबे तो एहिठाम निधोग भ के कोनो बात के ठीक है, हम सब एहिठाम जजमेंट कर रहल छी। तो आगा से ई ध्यान राखब समय के और प्रस्तुतिकरण के। बहुत बहुत धन्यवाद। कांस लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ बिरले ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। हर संकट में अवसर होता है, उसको तलाशना है। कोविड का बहुत सारे फायदे हैं, छात्र ने कहा होगा, लेकिन मैं जो अनुभव किया हूँ तो कोविड ने सबसे ज्यादा परिवार की अहमियत को सिद्ध किया। लोग दूर दराज कहीं रहते थे, दिन भर काम में अस्त व्यस्त, समय नहीं था उनके अपने बच्चे, पत्नी या बूढ़े परिवार। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप प्रतिभागी के रूप में आए, ये भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं श्रोता के रूप में रहते हैं, लिसनर के रूप में रहते हैं, लिसनर श्रोता के अलावा अगर आई कदम आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका एक पहला कदम जो सफलता को ही देख रहा है। कोई प्रतिभागी है जो आपका रंगोली हो रहा है, जो आपके डिबेट में आप कोविड 19 जो भी आपने बात किया, आपके छत्तीसगढ़ की जो भी बातें कही होगी,
उसमें जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो जजेज हैं, जो आपको मार्क्स दिया होगा तो वाकई अच्छा दिया होगा। और जो चूँकि वाद विवाद है जो पक्ष और विपक्ष में, तो पक्ष भी एक अपना एक महत्व रखता है और विपक्ष भी बोलना जो पड़ता है। जब दोनों चीज़ कंसाइन करके आप दिमाग आप ये करते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, विजुअल करते हैं, वह भी आपको बहुत सारे डायमेंशन मल्टी डायमेंशन आपके आज के डेट में जो है, चूँकि मॉडर्न एज है और इकोनॉमिक एज है, प्लस कम्पिटिटिव एज है, तीन चीज़ है, उस तीनों चीज़ मल्टी डायमेंशन अप्रोच के साथ ही जब आप ये रखेंगे तभी आप इस प्रतियोगिता में, इस प्रतिस्पर्धा में जो आगे बढ़ पाएंगे, जब आगे बढ़ेंगे तभी आपकी सफलता का जो है स्थान जो मिल पाएगा। क्योंकि आज का दौर देखती रहे कलाकार प्रतिस्पर्धा है, आप अगर 5 घंटा पढ़ते हो तो 6 घंटा पढ़ने वाला है, तो 6 घंटा पढ़ते हो 7 घंटा पढ़ने वाला है, अगर आप सो रहे हैं दूसरा पढ़ रहा है तो जो पढ़ने वाला है जो वही आगे बढ़ेगा। और उस चीज़ को देखना है हमको, उस प्रतियोगिता मैंने उस प्रतिस्पर्धा माना है, तो जी जोड़ आपको अपना समय जो है, अपना त्याग जो है, और मैं बार बार कहता हूँ कि कुर्बानी तो आप ही को देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने जगह पर जाना है, आपको अपनी पहचान बना है, तो कुर्बानी और त्याग जो है, बलिदान जो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसा आएगा यहाँ पर आकर के बोलना ही अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत होती है। और सबने एक अलग यूनिक प्रेजेंटेशन यहाँ रखा और सबसे हम लोगों ने कुछ न कुछ रखा सीखा इसमें। सो गुड लक फॉर नेक्स्ट कंपटीशन और बेस्ट कंपटीशन जो रहा, उसमें बच्चों ने भाग लिया, हिस्सा लिया, इसमें दो पक्ष थे, कुछ बच्चों ने पॉजिटिव पहलुओं पर बात की और कुछ लोगों ने कोविड के निगेटिव पहलू पर बात की। दोनों बातें अपनी जगह ठीक होती हैं, बस ये कि दोनों के पॉइंट्स कहने का तरीका और बात करने का तरीका, अपनी बात को रखने का तरीका अलग अलग होता है। और बच्चे, जैसे सर ने कहा, कुछ बच्चे अपने फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, और कुछ बच्चे पोजिशन नहीं भी हासिल करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ पर आकर के अपनी बात रखना, और कुछ लोग अपने कुछ स्टडी के जरिए, मुताले के जरिए अपनी बातों को रखते हैं। और अभी हम बैठे थे, हमने देखा कि एक बच्चा जो यहाँ बैठा हुआ था सबसे आखिर में, उन्होंने कोविड में अपने अंदर बात रखी कि उनके साथ उनके घर में क्या हुआ, और वो जामिया का स्टूडेंट था, तो दिल्ली से यहाँ तक आने के दरमियान उनको किन किन मुश्किल का सामना करना पड़ा, उन हालात को उसने बयान किया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी बात को उस अंदाज में रखना। गरचे हमें थोड़ा सा और भी चीज़ उसमें लगी कि थोड़ा तवील था उस करने का, और थोड़ा तैयारी करके आना चाहिए था, सिर्फ अपनी बात रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ अगर आप आएंगे तो कंपटीशन या कोई अपना तजर्बा शेयर करना नहीं होता, आपको जो पॉइंट्स हैं कोविड के या उसके क्या क्या फ़ायदे हैं या क्या क्या नुकसान हैं उसको बयान करना चाहिए। मैं इसके लिए तमाम बच्चों, इस्तेदा और प्रिंसिपल सर का शुक्रगुजार हूँ। किसी बात अपनी बात कलाम खत्म करता हूँ। लास्ट को भी होना चाहिए, तो जो अभी कॉम्पिटिशन हुआ उसमें ऑब्वियसली कोई ना कोई फर्स्ट आया होगा, सेकंड आया होगा और कोई लास्ट भी हुआ होगा, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सबने पक्ष और विपक्ष दोनों की बहुत अच्छे से हुआ और बहुत ही बढ़िया बोला। और मैं एक और, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स ने अपना जो है कोविड एक्सपीरियंस शेयर किया निगेटिव वे में, वो भी बहुत ही काबिले तारीफ था, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। क्योंकि दो चीज लाइफ में हमेशा, बट याद रखो जो लोग भी निगेटिव बहुत ज्यादा होते हैं, कि एक सिक्का होता है, बहुत बच्चों ने सिक्के का कॉइन का बोला कि एक कॉइन के दोनों पहलू होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो देखा आपने। लेकिन अगर आप ये सोचिए जो लोग निगेटिव हैं, स्पेशल टोटली निगेटिव थे उनके लिए ये है कि अगर उस सिक्के के दो हेड या टेल में से कोई भी चीज गायब कर दे तो उस सिक्के का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो वैल्यू कभी होगा जब पॉजिटिव भी अंदर रखे रहो, निगेटिव भी रखे रहो, और किसी को किसी के पे हावी मत होने दो, और दोनों को साथ लेकर के जीवन में आगे बढ़ो। तो ये उनके लिए है जो कि निगेटिव टोटली थे और बोले भी इस मन से कि मैं टोटली निगेटिव फॉर्म में, चूंकि उनका हो सकता है कि एक्सपीरियंस ज्यादा बुरा रहा हो, नो डाउट कि कोविड के एक्सपीरियंस में डिफरेंस था इंडिविजुअल में, किसी ने बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन देखी होगी और किसी ने जो है थोड़ी कम देखी होगी, तो एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकते हैं। और साथ ही मैं बच्चों ने बहुत ही अच्छा बोला, उसमें भी कोई दोहराय नहीं है। और एक बात और लाइफ में याद रखो कि जब हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं ना, तो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं निगेटिव्स के लिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा निगेटिव थे मंच से बोला,
तो कुछ जब हम स्पीड ब्रेकर आता है तो ऐसा नहीं होता है कि गाड़ी रोक देते हैं और हम ठहर जाते हैं कि जीवन में आगे ही नहीं बढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। गाड़ी को स्लो करने होता है और अगर आप हाई करेंगे तो आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी। तो स्पीड ब्रेकर पे ऑलवेज भी गाड़ी हमारी क्या होती है, स्लो होती है, देन हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इस स्पीड ब्रेकर को याद रखो, जीवन में भी ये जो हर्डल्स होते हैं वो आते जाते रहते हैं किसी भी फॉर्म में। कभी हमें लगता है कि उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, बट हमको उन सबकी गलतियों को छोड़ करके हमें